नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगी कि आपके मोबाइल पर जो बार बार हमेशा ऐड आते थे, कोई भी आप ऐप ओपन करते हो तो उसमें ऐड आते हैं। कोई भी ऐप ओपन करते हो, कुछ भी करते हो तो हमेशा ऐड आते रहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको आज एक सेटिंग बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्रोम पर जाते हैं। क्रोम ओपन करते हैं और जो यहाँ पर तीन डॉट दिख रहा है ना, वहाँ पर क्लिक करके सेटिंग में चले जाएंगे हम लोग। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स दिख रहा है साइड सेटिंग, यहाँ पे साइड सेटिंग में जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जो पॉपअप्स है ना, उसको ब्लॉक कर देना। ये देखिए फ्रेंड्स पॉपअप है, ये मैंने बंद किया हुआ है, इसको आप लोग भी बंद कर दीजिए। ये पॉपअप्स को बंद करना है, देखिए ये अलाउड है, पॉपअप्स को बंद कर देना है, मैंने बंद कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए, उसका डिफरेंट ये देखिए, थर्ड पार्टी साइन इन दिख रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स थर्ड पार्टी साइन इन दिख रहा है, इसको भी बंद करना है। मेरा बंद किया हुआ, मैंने देखिए ये ओपन है, मैं फिर बंद कर देती हूँ इसको। इसको इस तरह से बंद कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स ये हो गया एक सेटिंग। मैं आपको एक और सेटिंग बता देती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे हम लोग, एकदम नीचे यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर गूगल दिया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एड्स दिया, एड्स पे क्लिक करेंगे। अभी इसमें देखिए फ्रेंड्स ये आ रहा है रीसेट एडवर्टाइजिंग आईडी, इसको रीसेट कर देना है, कंफर्म कर देना है। और नो ये यहाँ पर जाना है और यहाँ पर से फ्रेंड ये देखिए फ्रेंड्स रीसेट एडवर्टाइजिंग आईडी, डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी। तो सबसे पहले हम लोग ना डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी करेंगे, इसको डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी कर देंगे तो जो भी आपके ऐड आते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे आपके मोबाइल पे। तो देखिए इसको डिलीट एडवर्टाइजिंग करेंगे और उसके एडवर्टाइजिंग को डिलीट कर देंगे। उसके बाद लिखा है कि गेट न्यू एडवर्टाइजिंग आईडी, उस पर अलाउ कर देंगे। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल पर जो भी सेटिंग है, जो मैंने बताया है, वो सेटिंग कीजिए और 100% आपके मोबाइल पर ऐड आना बंद हो जाएगा। ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी शंका नहीं है, आप श्योरली यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।